Hi everyone, today we are discuss on iterative statements. Iterative is like a looping statement. Sometimes it is necessary for the program to execute the statement several times. Execute the statement several times. And C++ loops and iterative execute a block of commands a specific number of times until the condition is met. अगर आपने किसी भी commands को किसी भी statements को number of time आपने execute करना है, मतलब कि repetitions करनी है, आप बार बार वहाँ पे घूमने चाहते हो कि आपका ये block है तो आप ऊपर नीचे जब तक आपकी condition true है तब तक आप चलना चाहते हो, राइट? तो आपको लूप की जरूरत पड़ेगी. लूप का मतलब होता है कि आप ऐसे यूज कर सकते हो, घूम सकते हो एक जगह पे व्हेन योर कंडीशन इज ट्रू, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट आर द लूप्स इन C++. देयर आर अराइजिंग सम सिचुएशन ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग where programmer need to execute a block of code several time with slightly variation sometimes. Programmer ko number of statement at a time execute karni hoti hai to ek particular condition ke saath wo bhi bar bar usko check karne ke liye. In general statements get executed sequentially with C++ program, one statement followed by the another. C++ provides statement for the server control structure along with the iteration repetition capability that allows programmer to execute a statement or group of statement multiple time. आपको ये word underline कर रहा हूँ. Multiple line, iteration and repetition. जब हमने ऐसा काम करना हो रेपिटेशन का और ग्रुप वो भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का और मल्टी टाइम करना हो तो हम यूज कर सकते हैं लूपिंग. C++ सपोर्ट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लूप लाइक ए थ्री टाइप्स ऑफ लूप. पहले आता है व्हाइल लूप, फिर आता है डू व्हाइल लूप, फिर आता है फॉर लूप. सबसे पहले हम फ्लोचार्ट लूपिंग का करते हैं. फ्लोचार्ट क्या है? स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट होगा हमारा कंट्रोल, डिक्लेयर काउंटर स्टार्ट, मतलब सपोज करो हम जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं. देन एवेल्युएट कंडीशन, इंक्रीमेंट काउंटर. सबसे पहले हमारा क्या होगा? एवेल्युएट काउंटर, हम चेक करेंगे कि हम हमारी कंडीशन क्या. सपोज मेरे ए वेरिएबल है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, कंडीशन हमने दी है कि ए की वैल्यू जब तक लेस देन 10 है तो ये एग्जीक्यूट हो. दिस इज ए कंडीशन एंड देन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट यहां पे आएंगी. फिर हम ऊपर जाएंगे, काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे. काउंटर लाइक प्लस प्लस, कि ए प्लस प्लस हो जाए, उसमें एक प्लस हो जाए, लाइक ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, राइट? तो देन मूव टू कहां पे? सेम काउंटर पे. तो बार बार ये जो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, काउंटर के बाद डिक्लेरेशन काउंटर हो गया, उसके बाद ये यहां से नीचे आएगा, नीचे के फिर इधर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे. जितने तक कंडीशन आपकी ट्रू है तब तक ये ऐसे ही काम करता रहेगा, तो आपकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा. आफ्टर दैट इफ यू फॉल्स योर कंडीशन देन स्टॉप योर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स, राइट? तो लूप के स्ट्रक्चर में हम कुछ नॉर्मल सिक्वेंशन को एग्जीक्यूशन को लूप में थोड़ा सा आगे पीछे करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स यूज करते हैं अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड करने के. जैसे मैंने ब्रेक यूज करता हूं,
ब्रेक का मीनिंग है कि हमने लूप को टर्मिनेट करना है। कंटिन्यू का मीनिंग है हम कुछ एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करना है, हमने कंट्रोल कहीं और ट्रांसफर करना है, राइट। गो टू का मीनिंग है हमने करंट प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को सम अदर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ प्रोग्राम को ट्रांसफर करना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहां पे हम स्किप करते हैं, कोई चीज हमने स्किप करनी है, यहां पे हमने स्टॉप करना है, और यहां पे हमने ट्रांसफर करना है, मैंने कंट्रोल ट्रांसफर करना है, क्योंकि 10 लाइन पे है, हम 1 लाइन पे जाना चाहते हैं। स्किप सपोज 1 2 3, मैं 4 को स्किप करना चाहता हूं, 5 आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए, तो दैट्स व्हाई यू कैन यूज ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। ऐसे स्टेटमेंट्स जो आप स्किप करना चाहते हो, यू कैन यूज ऑफ कंटिन्यू विदाउट टर्मिनेशन ऑफ योर प्रोग्राम। अगर आप कोई एरर आने के बाद, कोई ऐसी कंडीशन आने के बाद आप प्रोग्राम से बाहर आना चाहते हो, तो लूप से बाहर आना चाहते हो, तो आप ब्रेक यूज करोगे, राइट। सबसे पहले 4 आता है। फोर लूप इज वेरी सिमिलर टू द व्हाइल लूप्स इन दैट इट कंटिन्यूज टू प्रोसेस ए ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द स्टेटमेंट बिकम फॉल्स। एवरीथिंग इज डिफाइंड इन द सिंगल लाइन। फॉर लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप, यू कैन से दैट एंट्री कंट्रोल लूप, राइट। दिस इज ए सिंटैक्स टू मेक ए फॉर लूप बाय फॉलोड बाय द यूजर। For is a keyword initiated, like initialize the value. You can define this, for example, 0. Condition, specify the conditions for, like I less than 10. Increment, i plus. मैं इसको कैसे treat करता हूँ? This is a starting point. Your beginning point. This is your end point and this is your speed of your loop, right? जहां आप इसको बोल सकते हो steps, आप कितने steps fast चलना चाहते हो, single by single and multiple। तो यहां पे हम बोल सकते हैं इसको, और एक और चीज बोल सकते हैं, source and destination, beginning and ending, right? ऐसे हम नाम यूज कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट होंगी विद इन ब्लॉक। तो सेम लूप का वही सारे सभी का सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है, बट फॉर का सेम है जो हमने पहले डिस्कस किया है, तो स्किप कर रहा हूं। एग्जांपल में देखते हैं, सबसे पहले मेन के बाद हमने लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज किया है n1 और टाइम्स 5। फॉर एग्जीक्यूशन के टाइम मैंने लाइन लिखी है एन, स्टार्ट कहां पे होगा, 1 से। योर बिगिनिंग, एंड कहां पे होना चाहिए, एंड होना चाहिए एन लेस देन इक्वल्स टू 5, तो 5 टाइम आपका एंड होगा। और आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, सिंगल बाय सिंगल स्टेप्स, तो ये आपकी स्पीड ये है, राइट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जिसको बोलते हैं। तो सी प्लस प्लस फॉर लूप, ये आपका 5 टाइम प्रिंट होगा, राइट। उसके बाद आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। तो बाहर क्या है, 0 रिटर्न, आपका मेन पे चला जाएगा ऐसे, तो लूप बाहर आ जाएगा, 5 टाइम आपकी वैल्यू ये प्रिंट हो जाएगी। तो दिस इज द फॉर लूप। अब मेरे कुछ क्वेश्चन है आपसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फॉर लूप यूज कर रहे हो, लाइक that way for int a is equals to 0, a less than 10 a plus plus। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिखा है e, तो इस सपोज ये आपने अज्यूम करना है कि मैं मेन के नीचे लिख रहा हूं, इस ब्लॉक के नीचे लिख रहा हूं, राइट।
तो क्या आउटपुट आएगी, राइट? मैं आपको वेलन वे में समझाता हूँ। जैसे ये आपका मीन है, राइट? मैंने ये ब्लॉक बना लिया, तो यहां पर मैंने एक लिखा फॉर, ऊपर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए इज इक्वल्स टू वन, राइट? फॉर के बीच में मैंने यूज किया ए इज इक्वल्स टू वन, ए लेस देन 10, ए प्लस प्लस। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं काउंट ई, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए आपके मुताबिक? ये एरर देना चाहिए क्योंकि मैंने यहां पे ब्रेसेस नहीं यूज की हैं। क्या एग्जीक्यूट होगा अगर आप इस जगह ऐसे यूज करते हो, आप इसको इस वे में यूज करते हो, तो आपका कोई भी एरर नहीं आएगा। बिकॉज लूप क्या करता है, अगर आपकी ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी हो, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी हो, सिंगल लाइन को वो हैंडल कर सकती हैं विदाउट ब्रेसेस, राइट? अगर आपने मल्टीपल लाइन आपने बनाना है, दैट्स व्हाई यू कैन यूज ऑफ द ब्रेसेस। मैंने सपोज यहां पे एक और लाइन लिखनी है, तो आप ब्रेसेस यूज करोगे बिकॉज लूप आपका सिंगल लाइन को ही रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद जो लिखी होगी मल्टीपल लाइंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उसलिए आपको ब्लॉक बनाना पड़ेगा, राइट? वन थिंग। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इसमें। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। चलो ये तो हमारी आउटपुट आ जाएगी 1 से लेकर 9 तक, ओके। मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज मैं इसके बाद इस पे एंड में सेमी कोलन लगाऊं, तो क्या आना चाहिए? एरर आना चाहिए, क्या आउटपुट आनी चाहिए? और अगर आउटपुट आएगी तो क्या आएगी? मैं नीचे इसके सी आउट ए को प्रिंट कर रहा हूं, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए? पहले हमने सोचा कि एरर आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एरर आएगा, पर यहां पे एरर नहीं आएगा। सेमी कोलन का मीनिंग क्या है? एंड ऑफ स्टेटमेंट, क्लियर? तो ये क्या करेगा, अपने आप में ये घूमता रहेगा, और एंड ऑफ पे हमें क्या डिस्प्ले करेगा, कंडीशन कब फॉल्स होगी? जब वैल्यू ए की 10 होगी, तो ये 10 प्रिंट करेगा, क्लियर? सेकंड थिंग, क्लियर हो गया आपका, ये एरर नहीं देगा। नेक्स्ट इज, मैं इस फॉर को एक और तरीके में यूज करके आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फॉर को ऐसे लिखूं, फॉर सेमी कॉलन सेमी कॉलन, तो व्हाट व्हाट यू थिंक दैट फॉर, इसका मीनिंग क्या होगा आपको, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा इनफाइनाइट लूप, इन फाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप का मीनिंग होगा नेवर स्टॉप, राइट? और एक चीज और आपको बताऊं, फॉर लूप की जो डिफॉल्ट रिक्वायरमेंट्स हैं वो 2 सेमीकोलन है, राइट? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो इनफाइनाइट बनाने के लिए, विदाउट चेकिंग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कुछ भी चेक नहीं करेगा ये। और एक चीज और आपको मैं थोड़ा सा जस्टिफाई कर दूं, हम ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं, सॉरी, हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं दे रहा हूं बिकॉज मैंने इनिशियलाइजेशन ऊपर कर रखी, तो मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज, मैं यहाँ पे सेमीकोलन हटाकर मैं ब्रेस यूज कर रहा हूं, और यहां पे मैंने एक चीज और की, ये चीज भी हटा दी, तो जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो मैं नीचे यहां पे कर रहा हूं, राइट? तो ऐसे भी मैं कर सकता हूं।
और लास्ट ऑप्शन रहती है जो मैं आपको करके बता रहा हूँ, तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। जो आप सोच रहे हो कि एरर आएगा, एरर नहीं आएगा, इट विल बी एग्जीक्यूट। सपोज मैं ये चीज भी रिमूव कर रहा हूँ, मैं इस पोजीशन में आ रहा हूँ, दो सेमी कॉलन की पोजीशन पे आ रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, इफ ए लेस देन 10, अगर सॉरी ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10 तो क्या हो, ब्रेक हो जाए। तो यहां पे मैं नीचे लिखा है कि सी आउट ए प्रिंट हो जाए और ए प्लस प्लस हो जाए, तो क्या होगा, ये लूप चलता रहेगा। यहां पे तो कुछ भी चेक नहीं होगा क्योंकि दो सेमी कॉलन ही है, तो यहां पे हम उसको चेक कर रहे हैं। मतलब आप लूप को अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकते हो फॉर को। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन, दिस इज द डीपनेस ऑफ द फॉर लूप। आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, राइट। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आपका कोई क्वेरी है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।